और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जान लीजिए। फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दसवीं और बारहवीं देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया है। अगर आप दसवीं और बारहवीं के सभी परीक्षार्थी जिनके 60% भी अंक आए हैं तो उनको इस बार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़े गिफ्ट मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर आपके 60% भी अंक हैं तो 1,00,000 रुपए की नगद राशि से उनको सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर कमेंट में बताएं ताकि हम जैसे ही लिंक एक्टिवेट होती है आपको सूचना प्रोवाइड करें। इस बार की बोर्ड परीक्षा में आपने कितने परसेंट अंक हासिल किए हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जैसे ही आपकी लिंक एक्टिवेट होती है हम आपको सूचना प्रोवाइड कर सके। तो चलिए जानते हैं कि इस लैपटॉप योजना के तहत आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के चलते छात्रों को बड़े गिफ्ट्स का ऐलान किया है कि इस बार अगर 60% भी अंक हैं सभी परीक्षार्थियों के तो उनको सबसे पहले तो 1,00,000 रुपए की नगद राशि का चेक देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ में उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल टैबलेट स्मार्टफोन देकर भी नवाजा जाएगा। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के चलते काफी सारे राज्यों के रिजल्ट अभी सामने नहीं आए हैं तो उनको भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने यहाँ के रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवा दें ताकि सभी छात्र छात्राओं को इस लैपटॉप योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि 15 मई से इस लैपटॉप योजना का आवेदन शुरू होना है और लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी। डिजी लॉकर के माध्यम से ये बड़ी सूचना निकल के सामने आ रही है कि सभी परीक्षार्थियों को इस बार इस लैपटॉप योजना का लाभ मिलने वाला है। ये बड़ी खबर है सभी दसवीं और बारहवीं देने वाले छात्र छात्राओं के लिए। इस लैपटॉप योजना के लिए आपको केवल और केवल आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 2 फोटो, हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मार्कशीट और आपके बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी, बस इन्हीं को लगाकर आपको इस लैपटॉप योजना के लिए फॉर्म का आवेदन करना है। ये बड़ी खबर हो